चलो आज हम स्पॉन्जी नायलोन ढोकला बनाते हैं। खमन ढोकला एक लोकप्रिय और पारंपरिक स्नैक रेसिपी है। परफेक्ट खमन ढोकला बनाने के लिए सामग्रियों का माप परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक बॉल में आधा कप पानी लेंगे, उसमें एक टीबीएसपी चीनी, एक तिहाई चम्मच नींबू का फूल, एक चम्मच नमक, एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और एक टीबीएसपी सिंगटेल डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाने के लिए 5 से 7 मिनट तक एक ही साइड में विस्क करें। एक कप बेसन को दूसरे बॉल में छान लें। बेसन को लम्प फ्री होना जरूरी है। अभी छाना हुआ बेसन को थोड़ा थोड़ा करके पानी का मिक्सचर तैयार किया हुआ बॉल में डालें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर को 5 से 7 मिनट तक एक ही साइड में विस्क करेंगे। बैटर को 20 मिनट तक ढककर रेस्ट देंगे। हरी चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में फुदिना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक, जीरा पाउडर और दही डालकर ग्राइंड करेंगे। हरी चटनी बनकर तैयार है। 20 मिनट के रेस्ट के बाद बैटर को विस्क करेंगे। बैटर यदि थिक है तो उसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिलाकर विस्क करेंगे। चम्मच के पिछले हिस्से पे लगा बैटर के बीच में लाइन करके सही कंसिस्टेंसी चेक करें। अभी इसमें आधा सचेत प्लेन इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। उसके ऊपर एक चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिलाकर एक बड़े बर्तन में 4 कप उबलते पानी के ऊपर रखा स्टैंड के ऊपर राखी ग्रीस्ड ट्रे में डालेंगे। इसे ढककर 20 मिनट तक स्टीम कुक करेंगे। चाकू से चेक करेंगे। तड़का बनाने के लिए एक पैन में सिंक तेल लेंगे, उसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च, तिल और हींग डालकर सौते करेंगे। जरूरत के अनुसार पानी मिलाएंगे। एक चम्मच चीनी और नींबू के फूल डालेंगे। तड़का तैयार हो गया है। खमन ढोकला ने साइड्स छोड़ दी है और ऊपर से सॉफ्ट है, जो परफेक्ट बनने की साइन है। इसे एक प्लेट में निकालेंगे और चाकू से पीसेस करेंगे। खमन ढोकला सॉफ्ट और जालीदार बना है। आप भी इसे आसानी से अपने किचन में बनाएं। सही माप का अवश्य ध्यान रखें। तैयार किया हुआ तड़का को पीसेस के ऊपर डालेंगे और हरा धनिया से सजाएंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।